Assalamu alaikum, I'm Sami Khan. Please download the Hum TV app and watch the dramas on the go as you wish. नाम तो चलते जाओ जैसे मिलनी हो रही है. फैजान नाम है उसका, वहां के बॉस है. तेरी बॉस को ही फंसा लिया. अल्लाह माफ करे, तौबा तो. फरी मेरी बच्ची, तुमने मुझे बताया ही नहीं कुछ भी. ऐसा होता है क्या? मेरी बच्ची कैसी हो तुम? अम्मी अंदर चल के बात करें. डैड ने तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे डाले हैं, अगर और जरूरत हो तो बता देना. कौन आ गया इस वक्त? जी तुम यहाँ? तुम्हें क्या लगा था तुम यहाँ छुप के बैठ जाओगे, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकूंगी. तुम यहाँ रहते हो, मतलब इस जगह? हाँ मैं यही रहता हूँ. वो थोड़ा सा गंदा हो रहा है एक्चुअली. फरी घर की सफाई करती है, वो है नहीं. फरी करती है सफाई? हाँ. अरे तुम खड़ी क्यों यार? आओ अंदर आओ. आ जाओ, कम ऑन. वैसे सैफी, तुम्हें भी पता नहीं क्या सूझी थी. इतना बड़ा घर छोड़ के तुम छोटे से फ्लैट में आके रह रहे हो. वो मेरा घर नहीं है. कम ऑन सैफी, पेरेंट्स हैं वो तुम्हारे, प्यार करते हैं वो तुमसे. देखो अगर तुम यहाँ उनकी वकालत करने के लिए आई हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि मेरे पास इन फजूल की बातों का वक्त नहीं है. ओके ओके बाबा, वेट. ठीक है बैठो. तो और बताओ लाइफ कैसी चल रही है? तुम्हारी वाइफ कैसी है? और तुम खुश तो हो ना उसके साथ? बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल भी रखती है. तुम उससे मिलोगी तो बहुत खुश होगी. तो बताओ फिर कब मिलवा रहे हो फरी से? इंशाल्लाह बहुत जल्द. फिलहाल वो मैके गई हुई है अपनी माँ के पास. क्यों? अब मेरा मतलब है सब खैरियत है ना? अल्लाह पाक ने हमें चांद सी बेटी दी. क्या? कब? बस एक हफ्ता हो गया. तुमने अंकल आंटी को नहीं बताया ना? इतना खुश होते वो ये सब सुनकर. मैंने जरूरी नहीं समझा. ये पहन लेना. तुम्हें याद है ना फैजान को इसकी डिजाइनिंग कितनी पसंद आई थी? दादू क्या हो गया? शादी हो रही है जो मैं इतना हैवी ड्रेस पहनूंगी? मैं कोई सादा सा ड्रेस निकाल के पहन लूंगी. कोई जरूरत नहीं, रस्म करने आ रहे हैं वो लोग. दादू घर में ही रस्म हो रही है, बाहर से कोई मेहमान भी नहीं आएगा, सब घर के ही होंगे. अब अच्छा लगेगा मैं इतना हैवी ड्रेस पहनूंगी? बेटा तकरीब घर की हो या बाहर की, तुम्हारे लिए बहुत अहम है. मंगनी है तुम्हारी. अब ठीक है मैं कोई हल्के फुल्के काम का निकाल के पहन लूंगी. कोई जरूरत नहीं, जानती हूँ मैं, निकाल लोगी कोई रूखा पीकर रंग. ठीक है मेरी प्यारी सी दादू, मैं यही वाला ड्रेस पहनूंगी. अब आप खुश हैं? बेटा सादगी बेशक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कभी कभी लड़कियों को सोला सिंगार करना चाहिए. ठीक है मैं सिंगार भी कर लूंगी, अब तो आपको कोई शिकायत नहीं है ना?
अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे को हर बुरी नजर से बचाए। जब तक आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो आज वहां सचमुच पराई हो जाएगी और मेरे लिए खैर आज उसका नाम फैजान के नाम के साथ जुड़ जाएगा, मगर मेरे ख्वाबों का जहां हमेशा वहां के साथ आबाद रहेगा। आखिर मैं इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा हूं? माँ तो ना पहले मेरी थी और ना अब है। किसी भी दिन फैजान का हाथ पकड़ के चली जाएगी यहां से। पता नहीं सैफी, तुम्हारी बातें मेरी समझ नहीं आ रही। जहां तक मैं जानती हूँ, अंकल आंटी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इनफैक्ट आंटी को तो मैं तुम्हारे लिए रोते देखा है। ड्रामे, सब ड्रामे। ऐसे तो ना कहो सैफी, माँ है वो तुम्हारी और माँ औलाद से मोहब्बत का ड्रामा नहीं करती। वो मेरी नहीं, फैजी की माँ है। तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है सैफी। तो फिर मत समझा। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें समझा के वापस घर ले जाऊंगी। ये नामुमकिन है। देखो, तुम मेरे घर आओ, मेरी बीवी से मिलो, मेरी बच्ची को देखो। दुनिया जहां की जो बातें करनी है वो करो, लेकिन अगर यहाँ बैठ के उस घर की बात करोगी तो आइंदा मैं तुम्हें कभी इतनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। सैफी, अच्छा ठीक है। अच्छा, मुझे घर तो छोड़ दोगे ना? क्यों, गाड़ी नहीं है तुम्हारे पास? अंकल ने कहा था कि ले लूं, बट मैंने ले ली। ड्राइवर ने मुझे यहाँ छोड़ दिया, मैं सोचा वापसी में तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें ड्रॉप तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी एक्चुअली मैकेनिक के पास है। तुम कहो तो बाइक पे ड्रॉप कर दूं। बाइक? वाह, मैं कभी बाइक पे नहीं बैठी। जरूर चलूंगी तुम्हारे साथ। इट्स एन एडवेंचर फॉर मी देन। अच्छा चलो ठीक है, तुम जूस खत्म करो, मैं थोड़ी देर में निकलता हूं। अब मैं इतनी भी लावारिस नहीं कि तुम मुझे कमरे से बाहर निकाल दो। मेरी बात सुने, मैंने ये कमरा आपको चंद दिनों के लिए रहने के लिए दिया था, लेकिन आपने तो यहां मुस्तकिली डेरा डाल लिया। इस खंडर को तुम घर कह रही हो? बंगला देखा है ना तुमने मेरा? इस जैसे चार खंडर ना बड़े आराम से आ सकते हैं, फिर भी जगह बच जाएगी मेरे बंगले में। मेरी बात सुने, तो फिर क्यों उस बंगले को जंग लगा रही हैं? जाए भाई, जाकर अब बात करें उसे। क्या हुआ मम्मी? तुम्हारी सास मुझे कमरे से बाहर निकाल रही है। क्या हो गया अम्मी आपको? क्यों बदतमीजी कर रही है आंटी के साथ? आपको पता है चंद दिनों की मेहमान है ये। क्यों, क्या दुनिया से जाने वाली है? चंद दिनों का कह के मैंने कमरा दिया था इनको, लेकिन ये तो जैसे यहाँ पर डेरा डाल के बैठ गई, हिल भी नहीं रही यहाँ से। ऐसा थोड़ी होता है। आप फिक्र मत करें, हम दो चार दिन में चले जाएंगे यहाँ से। बात सुनो बीबी, दो चार दिन की बात नहीं, मुझे ये कमरा अभी और इसी वक्त चाहिए।
मेरी बेटी आई है, वो रुकेगी यहाँ कुछ दिन, जरूरत है मुझे इस कमरे की। तुम्हारी बेटी ससुराल में क्यों नहीं रहती ज्यादा, ज्यादा यहाँ क्यों रहती है? ऐसे बच्चों के घर टूट जाते हैं। तुम्हारे मुंह में खौक, मेरी बेटी माशाल्लाह से अपने घर में आबाद है, और खैर से अपनी बेटी को लेकर आई है अपने महके, समझी? क्या बेटी हुई है फरीन की? मामू है कहाँ फरीन? मेरे कमरे में। सामान उठाएं भाई, ये उठाएं सब, टांट अबीरा, ये मैं मदद करूं। बेटा ये फूल वाला आएगा, उसको दे देना पैसे अभी। मैंने सब सफाइयाँ हो गई, तैयारियाँ हो गई। जी दादू, मैंने सारे काम कर दिए, आप बेफिक्र हो जाएं। और हाँ, माँ ने खाने में क्या बनवाया? चाइनीज के लिए इसी, वही मंगवा लेगी वो। ठीक है भाई, बिरयानी पुलाव तो सभी खाते रहते। सही बात है। अच्छा फरी उठी कि नहीं उठी? जी अम्मा उठ गई है, मैंने कह दिया उसे। चलो मैं कहूँ कि लड़कियाँ तैयार हो जाएं जल्दी से। हाँ चले, मैं देख रहा हूँ, जाओ। शाबाश। इसकी हालत देख कर तो मैं अब तक शॉक हुआ नहीं। बाइक भी ऐसी पुरानी और घिसी पिटी सी थी, शायद अपने किसी दोस्त से मांगी होगी या सेकंड हैंड ली होगी। उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, जो अपने माँ बाप को जलील करते हैं वो खुद जलील होते हैं। खुदा रा अमान, आप तो ऐसा ना कहें, मजीद और कितना जलील होगा वो। बचपन में जब नौकरों को बाइक पर देखता था तो खूब मजाक उड़ाता था उनका, और आज मेरा बेटा खुद बाइक पर। मैंने तो इस ख्याल से कि उसका दिल ना दुखे कह दिया मुझे बाइक पे बैठने का शौक है। एक तो पूरे रास्ते में आयतुल कुर्सी पढ़ती हुई आई हूँ आंटी। सारा ये सारी बातें अपनी जगह, मगर मुझे दुख है कि मेरे घर की पहली खुशी अमान, हमारे बेटे की पहली औलाद, और उसने हमें बताने की जरूरत भी महसूस नहीं की। वो हमें कुछ समझता तो इतला देता ना। मैंने क्या क्या अरमान सजाए थे, क्या क्या सोच कर रखा था। बुशरा टेंशन मत लो, तुम्हें इन हालात के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए था। तुम फैजी की फिक्र करो, उसकी शादी की तैयारी करो, और फिर उसके बच्चों के ख्वाब देखना। अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आंटी, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। अच्छा तुम लोग अब तैयार हो जाओ, शाम को कहीं लेट ना हो जाए। अच्छा आप एक काम करें मेरा। हाँ बोलो। मैंने फ्रूट और मिठाइयाँ और कुछ सामान पैक होने भिजवाया, तो देखिए वो आ गया। ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ, अपने गाड़ी में भी रखवा देता हूँ। आप चेक कर लेना। माँ तैयार हो गई बेटा? जी दादू। अच्छा ये बताएं कि मैं ये चूड़ियां पहनूं? अरे क्यों ना पहनूं, खास मौकों पर भी नहीं पहनोगी तो फिर कब पहनोगी? ठीक है। माशाल्लाह मेरी जान, आज तुम दुल्हन हो, और दुल्हन तो चूड़ियां पहनती है ना। मनु बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? जी चाहता है तुम्हें दुनिया की नजरों से चुरा के अपने दिल में छुपा लूं। क्या हुआ मनु, कहाँ खो गए? दादू मैं खाने का इंतजाम कर लेता हूँ। अभी नहीं, खाना ठंडा हो जाएगा दादू। हाँ ठीक कह रही है। नहीं माँ, कुछ चीजें जो भूल गया हूँ करना जरूरी है। अच्छा बिन बातों को छोड़ो, और ये बताओ मैं बुरी तो नहीं लग रही? दादू ने इतना हैवी ड्रेस पहना दिया, और कह रही है चूड़ियां भी पहनो, इयररिंग्स और मेकअप। माँ कुछ भी बुरा नहीं लग रहा, तुम वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू मनु। अच्छा अब जल्दी से जाकर तुम भी चेंज कर लो।
दादू ये मेरे ख्याल से इतनी चूड़ियां बहुत ही हैं। अरे सब पहनो बेटा। दादू दोनों हाथों में ये सब पहनो। हाँ इसमें पहन। अगर मैं ये पैसे ले लेता हूँ तो फैजी तो ताने देगा कि आखिर हमसे मदद ले ही ली तुमने। फिर क्या करूं, पापा का अकाउंट नंबर तो है, उनको वापस ट्रांसफर कर देता हूं। मैं उनका एहसान किसी कीमत पर भी नहीं ले सकता। सोच लो, अभी तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है और अब तो बच्चा भी साथ है। नहीं, मैं भीख मांग लूंगा मगर उनका एहसान नहीं लूंगा। अंदर जाऊंगी और तुम्हारे हाथ में रिंग देके कहूंगी महा आज से तुम्हारी। क्या ऐसी? बैठो और अंगूठी पहनाओ। डैड, मेरे और महा के दरमियान ऐसा कुछ नहीं है।